महाराष्ट्र दिन के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में माहिती संचनालय और महामेट्रो इनके संयुक्त तत्वाधान में राज्य सरकार की दो वर्ष जनसेवा की यह भव्य प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के हाथों किया गया। इस मौके पर तमाम पदाधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस बड़े ही आनंद के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह पर कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। माहिती संचनालय और महामेट्रो इनके संयुक्त तत्वाधान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए काम की जानकारी दो वर्ष जनसेवा की यह भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से की गई। नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने लाल फीत काटकर और दीप प्रज्वलन करके महाराष्ट्र स्थापना दिन मनाया। नागपुर के बर्डी मेट्रो स्टेशन पर भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस मौके पर महामेट्रो और प्रशासन के सभी अधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर नितिन राउत इन्होंने अपने भाषण में कई पहलुओं पर रोशनी डाली। महाविकास आघाडीची स्थापना झाली त्यानंतर सातत्याने अनेक संकट ही महाविकास आघाडीवर येत असताना सुद्धा करोनाची पहिली लहर, दुसरी लहर आणि तिसरी लाट याला अत्यंत चोखपणे सामोरं जाऊन महाराष्ट्र सावरण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय आमदार श्री उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलं आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार, राज्याचे महसूल मंत्री श्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संकल्पनेनं हे आघाडी सरकारच्या दोन वर्षाच्या जनसेवेची कामं जनतेपर्यंत जावीत आणि त्यानिमित्तानं महाराष्ट्राच्या जनतेला महाविकास आघाडी सरकार काय काम करते आहे, कशा प्रकारे काम करते आहे, कोणत्या विषयावरती जास्त लक्ष केंद्रित करत आहे आणि लोकांना कशा प्रकारे लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे। महाराष्ट्र स्थापना दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बर्डी के महामेट्रो स्टेशन से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, BCN News नागपुर।